सक्सेस का डेफिनेशन एब्सोल्यूट है, किसी ने डिफाइन कर दिया है सक्सेस। जैसे किसी ने डिफाइन कर दिया है मोमेंटम, मास टाइम्स वेलोसिटी इज मोमेंटम, उसी तरह किसी ने डिफाइन कर दिया है कि सक्सेस क्या है, और हमें सक्सेस के उसी डेफिनेशन पर चलना पड़ेगा। यह मिथ है। आपके लिए सक्सेस क्या है यह आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। सक्सेस का एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं हो सकता, सक्सेस का हमेशा एक रिलेटिविस्टिक डेफिनेशन होगा। मेरे पापा ने कुछ साल पहले मुझे कहा कि जब तक तुम्हारा बंबई में अपना घर नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि तुम सक्सेसफुल हुए। तो मैंने अपने पापा को बोला कि वो बात ठीक है बाबूजी, वो आपका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, मेरे हिसाब से तो मैं उसी दिन सक्सेसफुल हो गया था जब 30 जून 2008 की शाम में बंबई आया था। सक्सेस आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या है, किसी दूसरे के बनाए हुए डेफिनेशन पर आप सक्सेस और फेलियर नहीं डिफाइन करेंगे। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो कि मुझे विनय पाठक से सीखा मैंने। उन्होंने एक क्लास में एक बहुत अच्छी बात कही कि सक्सेस जो है वो एक टेम्पररी स्टेट है, फेलियर ज़्यादा परमानेंट स्टेट है। लेकिन हमें फेलियर से डील करने के लिए लोग नहीं सिखाते हैं। दुनिया, ट्रेनिंग, एडुकेशन, टीचर, पेरेंट्स हमें ये नहीं सिखाते हैं कि फेलियर से कैसे डील करना है, जबकि फेलियर इज अ बिगर रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, फेलियर इज अ मोर परमानेंट स्टेट देन सक्सेस। मेरे हिसाब से फेलियर से डील करना तो सीखेंगे नहीं सीखेंगे बात की बात है। क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों? क्या हम आज इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि फेलियर इज अ मोर परमानेंट स्टेट देन सक्सेस? इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, देखोगे दिमाग में ऐसी क्लैरिटी आएगी कि सब कुछ साफ नजर आने लगेगा। मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है, आपके दिमाग में है कि फेलियर इज अ मोर परमानेंट स्टेट देन सक्सेस। इस बात को मान लो, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को अपनी जिंदगी में एकदम क्लैरिटी के साथ रख लो, फिर देखोगे उतना बुरा नहीं लगेगा। गर्मी में, समर में धूप कड़क होती है, अभी तो फैक्ट है ना, इस पे अब हम कुछ भी कर लें तो फैक्ट है। उसी तरह फेलियर इज अ मोर परमानेंट स्टेट देन सक्सेस। इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है।